बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पूरे होने पे ये मनाया गया, पूरे भारत में मनाया गया, रियासी में भी उसी के उपलक्ष्य में मनाया गया। एक तो प्रधानमंत्री जी की लाइव जो इसमें स्पीच थी उसको सब लोगों ने सुना भी और देखा भी। उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स, उसके अलावा जो हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में जितने भी ट्राइबल लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, एंथुजियाज्म है बच्चों में भी, बड़ों में भी, बुज़ुर्गों में भी। जैसे आपने देखा ऑडिटोरियम में हर एज वर्ग के लोग थे। कोशिश यही है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए ताकि वो हर प्रकार से हर चीज़ का बेनिफिट वो ले सके। आए हैं लोग, आए हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप लोगों का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सब पार्टिसिपेंट्स का जो आए, सारे ऑफिसर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोगों की मेल भी है लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में लोगों का आना यही दर्शाता है कि हमारी जो एफर्ट है टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी पर्सन जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम कोशिश करके पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो है बिहार में प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑडिटोरियम रियासत से लोग देख रहे हैं तो कितना, यही तो टेक्नोलॉजी का जो मज़ा है कि प्रधानमंत्री जी बिहार में बिरसा मुंडा जी के 150वीं वर्षगांठ के ऊपर पूरे देश को वहां से संबोधन कर रहे हैं और पूरे देश में लोग देख रहे हैं, रियासी में भी ऑडिटोरियम में बैठ के सुन रहे हैं और उनकी बातों का भरपूर फायदा भी उठाएंगे। इसके अलावा सब देखा गया कि यहाँ पर जो घर में तैयार किए जाते हैं जो जिस प्रकार से प्रसाद की बात कीजिए अलग अलग जो यहाँ पर जो दिखाया जा रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? देखिए आज का जो खाना भी है और आज का ये जो प्रोडक्ट्स भी है ये भी यहाँ के लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। कोशिश यही है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, लोगों को फायदा हो और इसी के उपलक्ष्य में एक प्रपोजल भी है एक शॉपिंग कम फूड आर्केड का, तो उम्मीद है वो भी कामयाब होगा तो अच्छा फायदा होगा।